परेशानी अनिल देशमुख का साथ नहीं छोड़ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनिल देशमुख और उनके सहयोगियों पर केस दर्ज कर जांच करने वाली ईडी के हाथ कुछ और अहम जानकारियां लगी है, जिसके बाद अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख और उनके करीबियों पर जांच की तलवार लटक रही है। ईडी को ऐसी 11 कंपनियों के बारे में पता चला है जो कि अनिल देशमुख के परिवार के सीधे कंट्रोल में है। साथ ही 13 ऐसी कंपनियां हैं जो अनिल देशमुख के परिवार से जुड़े लोगों के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली अनिल देशमुख का परिवार उस पर कंट्रोल करता है। ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि इन कंपनियों के बीच में लगातार ट्रांजेक्शन हुई है। ईडी ने 25 जून को मुंबई, नागपुर और अहमदाबाद के 6 ठिकानों पर रेड की और 6 डायरेक्टर्स और 2 सीए का स्टेटमेंट दर्ज किया। ईडी की जांच में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। नागपुर स्थित श्री साई शिक्षण संस्था, जिसके चेयरमैन अनिल देशमुख है, साथ ही उनके परिवार के कई लोग इन संस्था के ट्रस्टी है। यहां तक कि गिरफ्तार किया गया कुंदन भी संस्था का मेंबर है। जांच में पता चला कि पिछले कुछ समय से इस संस्था को 4,18,00,000 रुपए मिले हैं। इस संस्था के बैंक अकाउंट की एंट्री को देखने के बाद ईडी ने इस संस्था को पैसे देने वाली कंपनियों की तलाश की तो पता चला कि ये कंपनियां दिल्ली में हैं, लेकिन सिर्फ पेपर पर। यानी कि ये कंपनियां सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, जिसे सेल कंपनियां कहते हैं।